एक मसला बड़ा ये रहता था इलीगल इमिग्रेंट्स का फ्रांस में, जो हर हफ्ते पकड़ के लाए जाते थे, उनको हमें इंटरव्यू करना होता था, जो कि जूनियर ऑफिसर्स बेसिकली करते थे, बट दैट यूज टू बी डन इन माई प्रेजेंस। एंड जैसे अक्सर पाकिस्तानी में जब तक याद है, एक पाकिस्तानी ने कहा कि जी मैं तो इंडियन हूँ, सरदार हूँ, फिर तो मैंने भाई तुम्हारी दाढ़ी कहाँ है? खैर उनका नहीं, हम तो वो जो मोना सिंह टाइप होते हैं वो हैं। मैंने कहा कहाँ रहते हो कोई? उन्होंने बताया इंडियन पंजाब का। मैंने कहा हिंदी आती है? उनका बिल्कुल आती है। मैंने कहा अपना नाम लिखो, बिकॉज आई नो हिंदी, आई कैन रीड एंड राइट हिंदी फ्लुएंटली। तो मैंने कहा अपना नाम लिखो हिंदी में। तो ही वॉज टेकन अबैक। मैंने कहा लिखो तुम्हारा क्या है तुम्हारा नाम हिंदी में? तो ऑफकोर्स वो रोने लगे कि नहीं हम तो पा। मैंने कहा भाई सच्ची बात, हम तुम्हें नहीं भिजवाएंगे, एंड वी वुड हेल्प देम, यू नो, हम एक तरह से उनकी मदद करते थे पाकिस्तानी इसकी कि जो कि रह पड़े वहाँ पे, सब क्या कुछ, कोई अपनी बीवी का जेवर बेच कर आया है, कोई प्लॉट बेच कर आया है, कोई किस तरह से कितनी तकलीफ़ों से। तो हम लोग उनको, यानी आप ये समझिए कि उनकी मदद करते थे एक तरह से, कि वो रह जाएं, उनको ना निकालें पुलिस। और ये वहाँ की पुलिस भी काफ़ी शरीफ पुलिस थी, कि ज़्यादा इनको तंग नहीं करती थी। और उसमें इनको एक लॉ था कि अगर आप 30 दिन से ज़्यादा जेल में हैं तो आप रख नहीं सकते, तो आपको छोड़ नहीं पड़ता था। एक दफ़ा हम जेल्स भी विज़िट करते थे, तो एक दफ़ा मैं अपने एक हमारे जूनियर कॉलीग हैं उनके साथ, इमरान उनका नाम है, तो आई वेंट विथ हिम टू अ जेल टू सी अ पाकिस्तानी जो कि काफ़ी अरसे से थे। और शायद तो हमने कहा भाई हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हें छुड़वाने की, तो उसने कहा बिल्कुल कोशिश ना कीजिए। अरे हमने कहा क्यों? उसने कहा यहाँ मुझे तकरीबन महीने के मैं 1200 यूरो कमा रहा हूँ जेल के अंदर बैठा हुआ, तो यहाँ से मैं अपनी फैमिली को भेज दूँ, तो अगर मुझे जेल निकाल दिया तो मैं तो इतने भी नहीं कमाऊँगा, तो मुझे जेल के अंदर ही, और उसके अलावा जो मैं काम करता हूँ तो मुझे कुछ और पैसे मिलते हैं। सो आई, यू नो, आई रियली फेल सॉरी फॉर दिस पीपल, कि इतना डेस्परेशन है कि पीपल आर प्रिपेयर टू लिव इन जेल्स एंड प्रिजंस टू लुक आफ्टर द फैमिलीज बैक होम इन पाकिस्तान। तो मतलब आई वॉज, यू नो, उस वक्त मुझे सच्ची बात मैंने कहा कि भाई, उसने कहा मुझे बिल्कुल ना निकालें, मैं बहुत आराम से हूँ यहाँ पर, मुझे तकरीबन उस वक्त उसने कहा था कि 1000 या 1200 मिलते यूरोस, जिससे मेरा पूरा खानदान चलता था। वो बिजनेस कर रहा था अंदर जेल में? जी जेल में बिजनेस कर रहा था। नहीं नहीं, बिजनेस उनको मिलते हैं, पेमेंट गवर्नमेंट देती है आपको पेमेंट, और जब आप जेल में कुछ काम करें तो वो पे करती है आपको। तो ही वॉज गेटिंग क्वाइट, यू नो, गुड सम ऑफ मनी इन वाइल बीइंग इन प्रिजन। अब पूछ तो बंद क्यों किया है उसने? अगर आप बन गए मैं फिर जेल में आ जाऊँगा, किसी को थप्पड़ मार दिया था, तो अगर आप किसी से फिजिकल हो जाएं तो आप पता नहीं, कुछ उसको सज़ा भी हो गई। उसने कहा कि मैं तो ठीक ठाक मारा था, कि मुझे कम से कम 2-3 साल हो ताकि मैं आराम से यहाँ रहूँ। दिस वॉज क्वाइट स्ट्रेंज, बट सच आर द, यू नो, सिचुएशंस एंड।